नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज पॉलिटी की थर्ड क्लास करते हैं। अभी तक मैंने संविधान सभा तक पढ़ाया है, आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूँगा, जैसे कि बताया, मैं अभी तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा चुका हूँ आपको और आपको संविधान सभा का गठन बता दिया। आज का जो मेरा टॉपिक है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चलिए मुख्य बात पे आते हैं सीधे बिना किसी देरी के। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने प्रतिक्रिया इस पे देते रहिए कि कैसे आप बेहतर बन सकता है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये है मेन टॉपिक आज का। मेन टॉपिक संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये मेन टॉपिक का नाम है। आप जानते हैं संविधान तत्वों और मुख्य बात मूल भावना के आधार पर विश्व में अद्वितीय है। हालांकि संविधान कई देशों के संविधानों के अवलोकन के बाद बना है, यानी कई देशों के संविधान से कुछ कुछ उधार लेके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सी बातें नई हैं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में संविधान बनाते समय कहते हैं कि भारतीय संविधान विश्व के समस्त संविधानों के अवलोकन और छानने के बाद बनाया गया है। आगे इस बात को करेंगे। जब संविधान बना, संविधान के बाद एक आता है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का लघु रूप कहा जाता है, वो बातें करेंगे। और केशवानंद भारती बनाम भारत संघ ने 1973 में संविधान की बहुत सारी बातों को बतला है, वो भी बातें आगे होंगी। चलिए विशेषताएं देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? जिसे लिखित, और दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित तो लिख दिया, अलिखित संविधान भी होता है। जैसे इस संविधान वगैरह की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। जबकि अमेरिका जैसा संविधान, जो सबसे छोटा है, अमेरिका का संविधान लिखा गया है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसीलिए भारत अमेरिकी संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसे बना है? ब्रिटेन में ऐसे नए नए आम कानून आए, उसको संविधान के रूप में मान लिया गया है। भारत में संविधान के विस्तृत होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ का ऐतिहासिक प्रभाव, यानी जो भारतीय संविधान बनाया गया, संविधान के इतिहास का छाप दिखता है। जैसे संविधान में बहुत सारी बातें 1935 के अधिनियम की ली गई हैं। 1935 का जो अधिनियम था उससे संविधान में बहुत सारी बातें ली गई हैं, और उसके अलावा 1947 से भी बातें ली गई हैं और अन्य देशों से लिया गया, इसलिए संविधान बड़ा हो गया। दूसरा कारण है भारत का भौगोलिक विस्तार। इतना बड़ा देश के लिए एक संविधान बनाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए भारतीय संविधान बड़ा हो गया। दूसरी बात कि यहाँ पे जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में ये कहें कि इंटेलिजेंट वर्गों का अधिकता थी, यानी
विशेषज्ञों की प्रभुत्ता की वजह से ये संविधान बड़ा हो गया। क्या होता था कि कोई भी चीज़ बनी है भारतीय संविधान में तो वो बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। ये समझ लीजिए कि आज के 50-60 साल पहले जो संविधान बनाया गया आज भी उसी तरह काम कर रहा है। ये सब सोच के बनाना ये बड़ा होने का रीजन था। चलिए, विभिन्न स्रोतों से विहित भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान हो गया। दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोत से लिया गया है। मैंने कहा ना कि कई जगह से संविधान को उठाया गया है। कई कई लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान चुराया हुआ संविधान है, आलोचना किया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पे कटाक्ष करते हुए संविधान सभा में कहते हैं कि भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है। विश्व का जो जितने भी संविधान थे उस समय के सबको पढ़ा गया, अवलोकन किया गया, उसको छान के भारतीय संविधान को बनाया गया, इसलिए चुराने वाला शब्द नहीं सही है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है, या तो उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया भारत के बाद, इसलिए ये विभिन्न स्रोतों से इसमें किया गया। जैसे कुछ उदाहरण ले लीजिए, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला टॉपिक मौलिक अधिकार के बाद यही होगा। ये कहाँ से लिया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेरिका से लिया गया है। मैं इधर से लिखता हूँ, उल्टा पढ़ रहा है, राइटिंग भी USA से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और कुछ बातें हैं, जैसे संघीस जो संघ का रूप है, जो संघ है, संघ की बात हम करते हैं, संघ है ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अगले वीडियो में, हो सकता है अगला वीडियो बना के इसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 5-7 मिनट का, उसमें डालेंगे कि क्या क्या कहाँ से संविधान को लिया गया है। चलिए आगे की बातें करते हैं। आगे भारतीय संविधान की एक विशेषता ये है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, कठोर और अकठोर, यानी मृदुल, कठोर और मृदुल संविधान कहा जाता है। कहा जाता है कि जो अमेरिकी संविधान है, यूएसए का संविधान यह बहुत ही कठोर है। इसमें संशोधन के लिए एक बहुत विशेष प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि लगभग असंभव सा हो जाता है किसी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इसको बदलना, एक लगभग असंभव सा हो जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा है कि संशोधन भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी जगह अनम्यता में, मतलब मृदुल की तरफ देखें, तो एक ब्रिटेन का संविधान तो कुछ है नहीं, सब लिखा हुआ तो है नहीं, ये आम कानून द्वारा बदला जा सकता है, जबकि यूएसए में कठोर से बनाया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक विशेष प्रकार से बदला जा सकता है, जो कि ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है कि ना तो कठोर है ना ही यह एक सरल है। भारतीय संविधान ना तो लचीला है लाइक एज यूएसए, और ना ही इतना कठोर है जैसे कि ब्रिटेन में है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के थ्रू संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368 के थ्रू संशोधन किया जाता है। दो प्रकार के संशोधन होते हैं, जिसमें राज्यों की भी अनुमति चाहिए होती है और एक में राज्य की अनुमति नहीं चाहिए होती है। ठीक है, इस तरीके से देखूं तो, इस तरीके से नहीं बताना चाह रहा था, दूसरे से, जिसमें 50% ऑफ उपस्थित और मतदान का 50% और 2/3 बहुमत के साथ करना होता है, ऐसे है। और एक है साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। वो बातें आगे की टॉपिक में, बाई टॉपिक पढ़ाएंगे, आगे की टॉपिक में आ जाएगा।
एक एक पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा, बस आपका सहयोग होना चाहिए। ये वीडियो आपको हर चीज, हर परीक्षा में, मतलब जितने भी जहाँ पे पॉलिटी आ रही है उसमें आ जाएगा। चाहे आप SSC, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये तो भैया है ही है, UPSC, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे हो आप, तो भी आपको अगर संविधान पढ़ना है तो इससे बेहतर क्लास और कहीं नहीं मिलेगी, जितनी सरलता से मैं आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है एकात्मक और संघीय व्यवस्था। एकात्मक और संघीय स्वरूप, पहले इसको समझ लेते हैं। एकात्मक क्या होता है, एकल रूप क्या होता है, संघीय रूप क्या होता है। तो मैं पहले संघीय लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से दिखे, जिससे आप कभी भी ये शिकायत ना करो कि सर आपकी वीडियोस में ये जो लिखते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं फुल HD में वीडियो अपलोड करता हूँ, फुल HD में, जितना पॉसिबल हो सकता है, आवाज़ भी बेहतर किया हूँ जिससे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। बस हाँ, आपको अगर एकदम बेस्ट तरीके से वीडियो चलना है, देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको ईयरफोन लगा के बढ़िया से शांति से पेन कॉपी लेके बैठ के आपको वीडियो देखना है, आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा कोई भी प्रकार की समस्या हो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको, या किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी, मेरा चैनल है वहाँ पे भी बोल सकते हो, और नहीं तो मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी समस्या को देखूँगा कैसे समस्याएं हैं। संघीय स्वरूप क्या होता है, संघीय स्वरूप, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि संघीय शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन सी, मतलब मेरे पूरे संविधान जब तक मैं पढ़ाऊंगा, सी से मैं संविधान लिख रहा हूँ, सी से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को मैं डिनोट कर रहा हूँ। शॉर्टकट में लिखेंगे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अपने भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद एक में भारतीय संविधान राज्यों का संघ बताया गया, भारत को, इंडिया यानी भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ठीक है, राज्यों का संघ बताया गया, जिसका दो अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको, जिसका दो अर्थ होता है। पहली बात कि ये जो भारतीय राज्य हैं, इंडियन स्टेट्स, आई फॉर इंडिया, इंडियन, यस फॉर स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स संघ के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप देखिएगा, अभी इसकी विशेषता, भारतीय राज्य संघ के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि USA में होता है, USA में जो स्टेट्स हैं और केंद्र है, केंद्र और राज्यों के बीच में एक समझौता होता है कि फला फला चीज़ें होती हैं, वो USA की बातें जब आप कभी मौका लगा करने को तो करूँगा। पहली बात ये हुआ, एक बात संघ शब्द का, राज्यों के संघ का मतलब मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि किसी राज्य को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी स्टेट को संघ से इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, संघ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है, बशर्ते दूसरी तरफ अनुच्छेद एक में बताया गया है, इंडिया, दैट इज भारत,
यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ होगा। और इससे दो बातें एकदम साफ तरीके से, दो बातें एकदम साफ तरीके से समझ में आती हैं कि पहला कि भारतीय राज्य संघ के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, दूसरा किसी राज्य को यह अनुमति नहीं है कि वह केंद्र से अलग हो जाए। ये दूसरे पॉइंट पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, हैदराबाद विधानसभा का चुनाव हो रहा था किसी साल, तो एक राजनीतिक पार्टी ने अनाउंस किया था कि अगर हम जीत गए तो हम हैदराबाद को अलग से वो करेंगे और अलग से राज्य, अलग से देश बनाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो संविधान का उल्लंघन करना हुआ और वो एक देशद्रोह है, सच बताऊं तो देशद्रोह है। अब उसके लिए क्या सजा होती है वो बातें भाई बहुत बहुत विशेषज्ञ लोग हैं वो करेंगे। मैं अपनी बातें, संघ शब्द का संघीय स्वरूप होता क्या है अब इस पे बात करते हैं। संघ होता क्या है? दो सरकार की व्यवस्था है ना। एक होता है केंद्र का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा केंद्र का संसद, दूसरी तरफ राज्यों का मुख्यमंत्री, राज्यपाल कह दो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य का विधानसभा, विधान परिषद, है ना। दूसरी बात, दो सरकार होती हैं संघ में। दूसरा, शक्ति का विभाजन होता है इसमें, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन अपने संविधान में शक्ति का विभाजन दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे आई लिख रहा हूं। ये आपको ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अक्सर मेंस में आते हैं, मेंस में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस में आते हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत ही बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में मैं विशेष चर्चा करूंगा किसी दिन। मैं एक वीडियो बनाऊंगा शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन करीब एक डेढ़ घंटे का वीडियो होगा, उस पर बढ़िया से बातें करेंगे। मैं इस पर, इस वीडियो पे उसको टैग कर दूंगा, ठीक है। चलिए, दूसरा लिखित संविधान है, संघीय का मतलब लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान, ठीक है। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए अब फिर से देखते हैं, एकात्मक और संघीय रूप की बात कर रहे हैं, तो बात आती है संघीय होता क्या है। संघीय का मतलब, यहां पे मैं अगर मतलब लिख दूं तब देखिए, संघीय का मतलब दो सरकार होना चाहिए, संघीय का मतलब शक्ति का विभाजन होना चाहिए यूनियन और स्टेट्स में, संघीय का मतलब लिखित संविधान होना चाहिए, संघीय का मतलब कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संघीय का मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। ये सारे गुण अपने भारत में हैं, है ना भाई। लिखित संविधान है अपना संविधान, संविधान की सर्वोच्चता है। वहीं दूसरी ओर अगर संघीय रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, ठीक है, संसद की सर्वोच्चता है। और संविधान की सर्वोच्चता के साथ एक शब्द और आता है कि भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। आप देखें ना, प्रस्तावना पढ़िए, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। एकात्मक की बात करते हैं, जैसे इतनी बातें कर ली, अब एकात्मक की बात करते हैं। एकात्मक, इसकी बात कर लेते हैं, एकात्मक क्या होता है। एकात्मक एक सशक्त केंद्र होना चाहिए। अपने भारत में एक सशक्त केंद्र है, लेकिन भारतीय संविधान में एक चीज और है कि सशक्त केंद्र होने के साथ साथ शक्ति का विभाजन भी इतना बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि आपको शक्तियां जो दी गई हैं, शक्तियां वो राज्य और केंद्र में बराबर विभाजित की गई हैं। एकल संविधान, एकल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकीकृत, एक एकीकृत, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका,
न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका यानी एक न्यायपालिका। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो हो वो केंद्र द्वारा हो। एकात्मक का मतलब एकल, एक सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जो 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 शब्द लिख रहा हूँ ये भारतीय संविधान के बारे में ही लिख रहा हूँ। वास्तव में भारतीय संविधान जो है वह एकात्मक के साथ साथ संघीय रूप को प्रदर्शित, संघीय सब संघीय के साथ साथ एकात्मक रूप को प्रदर्शित करता है। इसीलिए एक ग्रेनवेल ऑस्टिन नाम के आदमी हैं, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने इसको क्या कहा, इसको कहा कि यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब चलिए बात करते हैं पांचवा, संसदीय रूप। पांचवी विशेषता है संसदीय रूप। संसदीय रूप इसको जैसे संसदीय रूप को क्या क्या कहा जाता है, इसको उत्तरदायित्व सरकार वाला रूप कह दीजिए, प्रधानमंत्री स्वरूप कह दीजिए, वेस्टमिंस्टर रूप कह दीजिए, या उत्तरदायित्व सरकार कह दीजिए, या मंत्रिमंडलीय स्वरूप कह दीजिए, इतने नाम हैं इसके। भारतीय संविधान ने भारत का स्वरूप अध्यक्षीय के बजाय क्या किया, संसदीय स्वरूप दिया। अब ये क्या होता है, अध्यक्षीय रूप। एक सेकेंड, आप थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए तभी आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षीय रूप मतलब यूएसए वाला सिस्टम यानी केंद्र एकदम सशक्त होगा, केंद्र का जो राष्ट्रपति होगा वही सर्वे सर्वा होगा, ठीक है। केंद्र का जो राष्ट्रपति होगा वही सर्वे सर्वा, मतलब देश का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष चेयरमैन, वही सब चीज है। लेकिन यहाँ पे संसद में एक मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल सरकार चलाती है। कई लोग कहते हैं कि भारत में, मतलब अगर आप एक नासमझी वाली बातें करो, जैसे मुझसे भी कई छोटे भाई लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री सरकार चलाता है। नहीं भैया, प्रधानमंत्री सरकार चलाता है मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सहायता से सरकार चलाता है, ठीक है। अब कहिएगा मंत्रिमंडलीय स्वरूप है, यहाँ पे मंत्रियों का एक मंडल होता है, एक सभा होती है जो सरकार चलाती है, मंत्रिपरिषद होता है वो सरकार चलाती है, जिसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहा है, ठीक है। अब देखिए संसदीय रूप में क्या है, इसकी खासियत क्या है, कुछ बातें इस पे भी कर लेते हैं। संसदीय स्वरूप में वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालक होता है। वास्तविक नाम मात्र का मतलब जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति देश का, पूरे देश का एक सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च अधिकारी कह दीजिए, सर्वोच्च है, लेकिन वह एक नाम मात्र का है, ठीक है। बहुमत दल की सत्ता, जो बहुमत पाएगा वही सत्ता में राज करेगा, वही उसी की सरकार की, उसी सत्ता की प्रधानमंत्री बनेगा और वही देश चलाएगा, ठीक है। संयुक्त जवाबदेही एक होती है। आर्टिकल 75 कहता है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए संयुक्त उत्तरदायित्व यानी कोई डिसीजन अगर आता है,
संयुक्त उत्तरदायित्व आगे बातें की जाएगी। कोई एक डिसीजन आता है तो ये माना जाएगा, कोई एक डिसीजन अगर लिया गया है मंत्रिपरिषद द्वारा या प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा, तो ये माना जाएगा प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के हर एक सदस्य का वह एक डिसीजन है, हर एक सांसद हर एक एमपी का वह डिसीजन है। अगर कोई मंत्री इस पे सभी मंत्री एक स्वरूप बोलेंगे, अगर किसी मंत्री को इस पे ऐतराज होगा तो उसको मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये अभी मैं संसद जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक पार्लियामेंट में करेंगे, फिर भी यहाँ बात कर देते हैं कि यहाँ संसद का स्वरूप जो होता है इसमें उत्तरदायित्व जो होता है संयुक्त रूप से होता है, संयुक्त जवाबदेही होता है। निचले सदन का विघटन, लोकसभा का विघटन होता है हर 5 साल में, जबकि उच्च सदन जो है इसका विघटन कभी नहीं होता, किसी भी स्थिति में इसका विघटन नहीं होगा। लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे लोकसभा के, इनका कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है, और इनका कार्यकाल होता है 6 साल, यानी हर 2 साल पे 1/3 सदस्य हट जाएंगे, ये ठीक है, ये हट जाएंगे। अब आपका सवाल ये है कि चलिए अभी सवाल ये नहीं करते हैं, आगे जब संसद पढ़ाएंगे तब उसमें सवाल, राइटिंग पे मत जाइएगा, ये नेक्स्ट इसकी है। भारत में संसद की संप्रभुता है लेकिन उसके साथ साथ न्याय की भी सर्वोच्चता है, यानी अगर पार्लियामेंट ने अगर कोई नियम बनाया, नियम एक्ट या कानून या अधिनियम, एक ही चीज है, अभी मैं एक ही चीज, नियम अगर मैं मिटा दूं, नियम तो कुछ अलग ही हो जाता है, एक कानून अधिनियम बनाया, मान लो उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय इस पे पाबंदी लगा सकती है, ठीक है। कैसे, क्यों लगा सकती है भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत संविधान का रक्षक बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक बताया गया है। और अगर कोई अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ और वह संविधान का उल्लंघन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहे न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है, हर एक विषय पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी उसको संविधान की कसौटी पर कर सकता है। किसी भी अधिनियम, किसी भी कानून, किसी भी नियम को सर्वोच्च न्यायालय संविधान की कसौटी पर कस सकता है, ठीक है, संविधान की कसौटी पर कस सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ये न्यायिक समीक्षा जो है ये बड़ा विवादित रहा, आगे बात करेंगे जब इसमें आर्टिकल 368 की यानी संशोधन की बात करेंगे तो न्यायिक समीक्षा थोड़ा सा बात आएगी, वहां पे बहुत विशेष तरीके से बात करेंगे, अभी ड्रॉप कर रहे हैं यहां के लिए, ठीक है। आप ये मत समझिएगा मैं ड्रॉप कर रहा हूं, मैं इस बात को आपको आगे पढ़ाऊंगा, यहां वीडियो बड़ा नहीं कर रहा हूं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान संसद और संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता के बीच उचित संतुलन पर स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं 8वीं विशेषता मौलिक अधिकार की। संविधान की ये विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है।
मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने देखो यह लिखा हुआ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14-18 तक आता है, 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21 तक। और शोषण के विरुद्ध 22 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचार 32। आर्टिकल 31 में दिया गया था एक वित्त का अधिकार, जिसको संशोधन करके रद्द कर दिया गया और वित्त का अधिकार अब कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। उसकी बातें आगे करेंगे, ठीक है। ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? राज्य में नागरिकों के हक के लिए राज्य के विरुद्ध दिए गए अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अपरिवर्तनीय नहीं है, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। संसद कानून बना के, अधिनियम बना के, संशोधन के माध्यम से इसको बदल सकती है। लेकिन केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद हर विषय पर संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। मूल ढांचा आगे बताएंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अपरिवर्तनीय नहीं है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स को संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। और कुछ बताने वाला था, हाँ, इसके बाद आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में भारत नीति निदेशक तत्व को लिखा गया है। नीति निदेशक तत्व के बारे में, नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। यह 3 वर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं। गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिकवादी। 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे जब भाग 4 पढ़ाएंगे तब। संविधान के भाग 4 में ये भाग 4 में दिया गया है, ये अनूठी विशेषता है। इसका कार्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लिख दूं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। और उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसकी बातें आगे करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं। एक बात बताते हो, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था मिनर्वा मिल्स मामला 1980। मैं यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ, शुरुआत से बात बताते हैं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इसके पहले एक बात बताते थे, हो क्या रहा था ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में सरकार जो थी वो समझ नहीं पा रही थी कौन श्रेष्ठ है। कोई कहता था डीपीएसपी, कोई कहता था फंडामेंटल राइट्स, बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। ये बात लड़ाई करते करते संविधान की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट कई डिसीजन दिए, जैसे बेरूबाड़ी संघ दिया, फिर उसके बाद केशवानंद भारती आया,
बाद में ओवरऑल डिसीजन मिनर्वा मिल्स मामले में कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संतुलन पर रखा गया है, संतुलन पर रखा गया है, या यूं कहो भारतीय संविधान की नींव डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स पर रखी गई है। अब इसके बाद आता है दसवां है, भारतीय संविधान में एक आता है दसवां पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। या इसमें फिर 86वें संशोधन 2002 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। ठीक है, अब आती है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब ये बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही प्यारा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं उम्मीद हमेशा अच्छे की करता हूँ। आपको एक सूचना भी देनी है, अब ये फ्यूचर विद आशुतोष चैनल यानी मेरा चैनल आपको कक्षा 9 से लेके आईएएस पीसीएस तक का सफ़र करा रहा है, यानी कक्षा 9 से हर विषय की तैयारी आपको करा रहा है। आप छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, आपको ये एकमात्र चैनल दे रहा है जिसमें एक बेहतरीन टीम द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मेरे अलावा भी कई चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको प्यार दोगे, सबको बराबर प्यार दोगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार।